हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख ही सकते हैं कि आज मैं इस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। इसकी मैंने कैसी पॉटिंग सोइल बनाई है और उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, ये सभी बातें इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस प्लांट को मधुकामिनी बोलते हैं और मरिया पेनिकुलाटा भी इसका नाम है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही खूबसूरत से वाइट कलर के फ्लावर खिल के आए हैं और ये बहुत ही खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं। ये एक फ्रेग्रेंस वाला प्लांट है। देखिए, पूरा प्लांट्स मेरा फ्लावर्स से भरा हुआ है। तो नर्सरी में इसको कामिनी के नाम से जानते हैं। अगर आप अपने गार्डन में एक फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लगाएं। ये एक परमानेंट प्लांट है। इसकी सोइल मैंने कैसी बनाई है उसके बारे में बात करें तो ये 7 इंच का गमला है, मिट्टी का गमला है। उसमें मैंने 60% गार्डन सोइल, 30% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट का यूज़ किया है। और कंपोस्ट में मैंने अलग अलग टाइप की कंपोस्ट ली है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ली है, एक मुट्ठी के करीब नीम खली, आधी मुट्ठी बोन मिल, फिर 2-3 मुट्ठी लीव कंपोस्ट। इस तरह से मैंने इसको इसकी मिट्टी बनाई है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हो। ऐसे भी ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही फ्लावर्स मेरे प्लांट्स में खिल के आए हैं। तो ये एक सन लविंग प्लांट है तो इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप में आपको रखना पड़ेगा तो ही इस तरह से फ्लावरिंग होगी। मैंने इसके रिपोर्टिंग करने के बाद 2-3 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए जहां उसको धूप मिले उस जगह पे शिफ्ट कर दिया था। तो उसी वजह से इसकी खूबसूरत फ्लावरिंग आई है। और वो एक ही वजह नहीं है, इसमें इसका पॉटिंग सोइल भी मैंने अच्छा वेल ड्रेन बनाया है और इसको नीम खली बहुत ही पसंद है तो मैंने इसमें नीम खली यूज़ की है। उसकी वजह से भी इतने खूबसूरत फ्लावर्स आए हैं। और फिर एक एटमॉस्फेयर भी बहुत ही ज़रूरी रहता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। ये साल में 2 बार फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। एक तो मॉनसून शुरू होने के तुरंत बाद इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर एक गर्मियाँ शुरू होती है तब ये फ्लावरिंग पे आ जाता है। और इस तरह से ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। तो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। तो इसकी गमले की ऊपर की लेयर थोड़ी सी सूख जाए उसके बाद आपको तुरंत इसको पानी देना चाहिए ताकि अच्छे से उसको मॉइस्चर मिलता रहे। और फिर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं एक इससे थोड़ा बड़ा प्लांट लाई थी, इसकी बड़ी वेराइटी थी, वो बड़े ट्री जैसा हो जाता था वो प्लांट लाई थी। तो उसमें नर्सरी में फ्लावर्स नहीं आए थे तो फिर मैंने सोचा कि घर में ला के रखूँगी, लगाऊँगी तो उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। फिर ऐसा नहीं हुआ और वो 2-3 सालों तक उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई और वो पता नहीं कैसे वो मेरा प्लांट जल गया। तो आपको अच्छी फ्लावरिंग इससे लेनी है तो आप ऐसा ही प्लांट नर्सरी में चूज़ करें कि उसमें फ्लावरिंग हुई हुई हो या तो उसमें कलियां खिली हुई हो तो आपके घर में अच्छे से फ्लावरिंग करेगा ये।
वरना तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, या तो फिर मेरी तरफ फ्लावरिंग हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप किचन गार्डन के शौकीन हैं और आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स भी है, तो मैं बोलूँगी कि इस प्लांट को उसके साथ ज़रूर रखें। इसके फ्लावर्स पोलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इससे आपके वेजिटेबल प्लांट्स में भी बहुत ही फ़ायदा होगा और वो पोलिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़रूर ऐड करें अपने प्लांट्स की लिस्ट में इसको। तो देखिए, इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। एक ऐसी वैरायटी आती है और फिर दूसरी इससे भी छोटी, उसको टेबल कामिनी बोलते हैं, टेबल टॉप कामिनी बोलते हैं। ऐसी भी वैरायटी आती है, एक बड़े ट्री जैसी मैंने बोली, बहुत सारी वैरायटी आती है। तो आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं, पर खास उसमें देख ले कि फ्लावरिंग हुई हुई हो या तो कलियाँ आई हो, ऐसा ही प्लांट आप ले। तो अगर आप को मेरी तरह ये प्लांट पसंद हो तो आप ज़रूर लें। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है और इसमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये एक परमानेंट प्लांट है, तो ये सालों साल चलने वाला प्लांट है। तो बस जितना बताना था मैंने बता दिया, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि समय समय पर मेरे सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर किसी दिन मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।